आया है। कई जनजाति आज विलुप्त के कगार पर है, वहीं कई जनजातियों की भाषा और उनकी संस्कृति पर भी खतरा मंडराने लगा है। संताल में प्रचलित बिटलाहा एक ऐसी सामाजिक परंपरा है जो अब केवल रीति रिवाज के तौर पर ही समाज में रह गई है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निलय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निलय, आज विश्व आदिवासी दिवस है, क्या कुछ झारखंड में कार्यक्रम इसके दौरान किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड का निर्माण भी देखिए आदिवासियों के उत्थान के लिए हुआ था। और अभी आपने भी बताया कि 32 तरह की जनजातियां यहाँ पे निवास करती हैं, जिसमें कि 9 आदिम जनजातियां हैं और सरकार इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए प्रयासरत है। ऐसी कई योजनाएँ हैं जिससे कि आदिवासियों का जीवन स्तर अब ऊँचा उठ रहा है धीरे धीरे, और जो पहले जो स्थिति थी उसमें थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी मंजिल जो है वो बाकी है। अभी भी कई जो आदिवासियों की स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है, खासकर अगर संथाल की बात करें तो वहाँ पे अभी भी ऐसे कई जनजाति हैं जो कि अभी भी विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हुए हैं। बहरहाल ये प्रयास जारी है, आज विश्व आदिवासी दिवस है तो इसमें प्रासंगिक हो जाता है इन सारी चीज़ों की चर्चा। तो आज ऐसे कई कार्यक्रम हैं झारखंड में, खासकर राजधानी रांची में, जिसमें कि आदिवासियों पर चर्चा भी होगी, उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम भी होंगे, उनके समस्याओं के समाधान का, निराकरण का उपाय भी ढूंढा जाएगा। सबसे पहले अब से थोड़ी देर के बाद 8:30 बजे का कार्यक्रम तय है, जनजातीय विकास के मंत्री जो कि अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी जनजातीय के मामलों के केंद्रीय मंत्री बने हैं, उनकी पदयात्रा शुरू होगी। राजेंद्र चौक से लेकर वो जयपाल सिंह स्टेडियम तक पद यात्रा करेंगे और उनके साथ पारंपरिक रूप से जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो रहेंगे, और जयपाल सिंह स्टेडियम में जाकर एक सभा के रूप में वो परिणत हो जाएगी। इसके अलावा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा विकास की ओर से भी कार्यक्रम है, आदिवासी जन परिषद की ओर से कार्यक्रम है, सेंट्रल इंडिजिनस पीपल्स की ओर से कार्यक्रम है, और कांग्रेस की ओर से भी विश्व आदिवासी दिवस के पर कार्यक्रम है, विकास भारती में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो ऐसे कई कार्यक्रम हैं, दिन भर इन कार्यक्रमों की धूम रहेगी आज विश्व आदिवासी दिवस पे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का भी आगमन कल होने जा रहा है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ वो करेंगे, तो इसके लिए भी कल वो रांची आ रहे हैं। प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अपने स्तर से तैयारियों में जुट चुकी है, जो विभाग है कृषि विभाग वो भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है, तो उनको लेकर भी गहमागहमी है। राजद का आज सदस्यता अभियान भी आज से शुरू होना है, तो ऐसे कई राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों की भरमार रहेगी पूरे रांची, राजधानी रांची में। जी शमा जी निलय, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज कई सारे कार्यक्रम किए जाएंगे आदिवासी के जन के लिए, आज मुख्यमंत्री रघुवर दास, साथ ही कल वेंकैया नायडू भी झारखंड पहुंचने वाले हैं, कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसमें कृषि विभाग, तमाम विभाग की तैयारियां जोरों पर हैं। वही 16 अगस्त से राज्य भर में अटल मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी, राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की है। आपको बता दें कि राजधानी रांची के होटल चाणक्य में हेल्थ केयर समिट कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा सर्वोपरि है, लिहाजा सरकार ने स्वास्थ्य पर फोकस किया है। 108 नंबर का एम्बुलेंस राज्य भर में सफलतापूर्वक काम कर रहा है, प्रतिदिन करीब 8,000 मरीजों का इसका लाभ मिल रहा है और नीति आयोग ने भी झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में तीसरा स्थान दिया है। इस समिट में देश भर के विशेषज्ञ शामिल हुए और स्वास्थ्य को लेकर विचार विमर्श किया गया। दिशा में काफी काम हुए हैं और नीति आयोग के जो आंकड़े ये साबित करता है, राज्य सरकार के कार्य में व्यवस्था सुधार। जैसा मैं अपने एग्जाम्पल बताऊं, जो नीति आयोग के राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में के लिए जो झारखंड को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, तीन सूचकांकों में किसके जो सुधार, किस चीज में सुधार, ये वे जो हमारे जो पोषण के बारे में और सब बता रहे थे, मातृत्व मृत्यु दर 2000 में 400 प्रति लाख थे।
जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में रघुवर सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि सरकार सत्ता के गुरूर में चूर है, आने वाले दिनों में जनता विधानसभा चुनाव में सरकार को जवाब देगी। वही महागठबंधन पर हेमंत सोरेन ने कहा कि महागठबंधन को लेकर मंथन जारी है, अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगा। वहीं रघुवर सरकार को हराने के लिए मंथन चल रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी को लेकर भी उन्होंने सीएम पर हमला बोला और कहा कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में कंपनियां बंद हो रही हैं, जो चिंता का विषय है। NH-33 किसानों की समस्या समेत कई मामलों पर उन्होंने रघुवर सरकार पर हमला किया। हेमंत सोरेन निर्मल महतो के शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। चीजों पर हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं कि इस मौजूदा जो रघुवर सरकार है, NDA का जो जमात है, जिस तरीके से इन लोगों ने विगत 5 साल यहाँ तांडव किया है, सभी पहलू पर चर्चा हो रही है कि गठबंधन में चले कि अकेले चुनाव लड़ा जाए या किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और रघुवर सरकार को शिकस्त दिया जाए, इस विषय पर अभी चिंतन मंथन है। बहुत जल्द इस विषय पर हम लोग निर्णय लेंगे। वही जमशेदपुर में पुलिस रिमांड पर हत्यारा इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता को लिया गया है। पुलिस ने 2 दिनों के लिए रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि आज पुलिस मनोज गुप्ता से पूछताछ करेगी। पत्नी, साले और सास को गोली मारी थी मनोज गुप्ता ने, सास की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो आपको बता दें कि सन के इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता ने, तनु ये खबर हमने बहुत प्रमुखता से दिखाई थी कि उसने अपनी पत्नी के साथ तो अत्याचार किया ही था, गोली अपने जो सर्विस रिवॉल्वर है उससे गोली मार दी थी, साथ ही उनके जो मुंह बोले भाई थे उनको और सास को भी गोली मार दी थी। हालांकि सास की इलाज के दौरान मौत हो गई है और पति, पत्नी और जो भाई था वो काफी गंभीर हालत में एडमिट था। आज पुलिस 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया है, उससे पूछताछ की जाएगी। और बिल्कुल शमा, तो जिस तरह से ये खबरें सामने आई थी, हमने प्रमुखता से चलाई थी, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमसे जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पुलिस आज मनोज गुप्ता को 2 दिन के रिमांड पर ली है। देखिए, निश्चित तौर पे ये पुलिस चाह भी रही थी कि इसको रिमांड पे लिया जाए, हालांकि न्यायालय में 3 दिनों की अर्जी दी गई थी कि 3 दिनों को रिमांड दिया जाए, लेकिन न्यायालय ने 3 दिन नहीं 2 दिनों के रिमांड पे दिया है। और अब मनोज गुप्ता से पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी। सख्ती से इसलिए कि SP ने साफ कर दिया है कि ये अब प्रशासनिक अधिकारी नहीं रहा, क्योंकि ये हत्यारा है, इसने अपनी सास को गोली मारी है, अपनी पत्नी को गोली मारी, साला को गोली मारा है। हालांकि साला और जो पत्नी है उन दोनों का इलाज TMS में चल रहा है और खतरे से बाहर भी है वो लोग, और 164 का बयान भी दर्ज हो चुका है। जो इनकी बच्ची है, 2 पुत्री हैं और 1 पुत्र है, और साथ साथ इनकी अपनी सास, क्योंकि वो चचेरी सास से जिनकी हत्या हुई है, तो अपनी सास भी अभी है। और इन लोगों ने 164 का बयान कोर्ट में दर्ज करा दिया है कि सर्विस रिवॉल्वर से मनोज गुप्ता ने ही इसकी माँ, इसकी चचेरी नानी और उसके मामा पर गोली चलाया था। इसकी बेटी आई विटनेस है, इसकी पत्नी जिसको गोली लगा था वो आई विटनेस है, और पूरे घटनाक्रम को कोर्ट में 164 के बयान दर्ज कर दिया गया। अब पुलिस ये पता लगाने में लगी है कि आखिर ऐसा क्या नौबत आया जिसके कारण ये मनोज गुप्ता ने गोली चलाया है, और इससे पहले और क्या क्या मामला, क्योंकि इस पर आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज हो चुका है, और वो भी ED जो है वो भी अपना मामला काम कर रहा है, क्योंकि मनोज गुप्ता ने कहा था कि जमीनी विवाद था ये पूरा मामला, 7 करोड़ में एक जमीन को बेचना था, जहां तक इसका जो चचेरा साला है वो कम पैसा में बेच रहा था जिसको लेकर ये गोली चली है। लेकिन उन सब पहलुओं को जांच रही है कि वाकई में अगर जमीनी विवाद था तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि पत्नी को गोली मारना पड़ा, और साथ साथ पत्नी ने जो बयान दिया है उसमें साफ है कि इसका किसी महिला के साथ गलत संबंध है, जिसको लेकर लगातार विरोध करती थी और उसके साथ ये मार